महाकाल, क्या खबर लाए हो? सरदार, खबर मिली है कि गदर सिंह को पुलिस थाने से जेल ले जा रही है। नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम हर कीमत पर अपने साथी गदर सिंह को पुलिस के पंजों से छुड़ा लेंगे। अबले बेसा, नहीं ऐसा मत करना। सितारों की गर्दश कह रही है, अगर तुमने गदर सिंह को बचाया तो सारी उम्र रोता रहेगा। अबले पैसा, पगले, ताज्जुब की बात है, गदर तेरा जुड़वा भाई है, क्या तू नहीं चाहता कि गदर को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया जाए? इसी बात पर फिर ले पैसा। नहीं, गदर नहीं, गद्दार है। सितारों की भविष्यवाणी कह रही है, अगर तू उसे बचाएगा तो तुझे कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत मरेगा, बेमौत मारा जाएगा। अबले पैसा, अरे पगले, आज तक तूने जितनी भी भविष्यवाणी की है, मेरे फौलादी इरादों ने उन्हें झूठा साबित कर दिया है। आज भी तेरे इन सितारों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि तेरे सितारे रोते रहेंगे और मैं कह कहे लगाता रहूंगा। चलो
गुस्सा डाकू बजरंग ने धावा बोलकर गदर सिंह को हमारे कब्जे से छुड़ा लिया। क्या? यस सर, डाकू बजरंग सिंह ने पुलिस के कब्जे से गदर सिंह को छुड़ाकर एक बार फिर कानून के मुंह पर कालिक पोत दी। नहीं, अब वो लावा बनकर कानून की जंजीरों को नहीं पिघला सकता। अब हेड ऑफिस से एक बहादुर इंस्पेक्टर निकल पड़ा है उसे गिरफ्तार करने के लिए। उसने बजरंग को गिरफ्तार करने की कसम खाई है। सरदार, खबर मिली है कि थाने में कोई नया दारोगा आया है और उसने आपको गिरफ्तार करने की कसम खाई है। अब कौन समझाए इन नादानों को जो हमें गिरफ्तार करने की कसमें खाते रहते हैं और ये जानते हुए भी कसम खाते हैं कि कितने ही दारोगा इन बीहड़ों में हमारा ठिकाना तलाश करते करते गुम हो गए, मगर किसी माई की लाल की तकदीर ने ऐसा जोर नहीं मारा कि वो हमें गिरफ्तार करके अपनी छाती पर बहादुरी का मेडल लगा सके, क्योंकि हमारा भगवान हमारी रक्षा करता रहता है और जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता वो हमारी पूरी रक्षा करता रहेगा। सरदार, खबर मिली है कि किसी ठाकुर विकराल सिंह ने ललितपुर के गरीब किसानों को लूट लिया है और उनकी बहू बेटियों को उठा लिया। सरदार, डाकुओं की शराफत के माथे पर लगे हुए दाग को हम मिटा कर रख देंगे। आओ मेरे साथ। भाई साहब, आपको तो पता है कि बजरंग सिंह मेरा और मेरे खानदान का जानी दुश्मन है। हाँ, मैं जानता हूँ। अगर उसे खबर हो गई कि हम दुल्हन को साथ लेकर बारात समेत वापस लौट रहे हैं तो वो बारात में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो, हम अपनी बारात को लेकर चुपके से काली पुलिया पार कर लेंगे और बजरंग को कानो कान खबर नहीं होगी, बेफिक्र रहो। सरदार, सरदार, ठाकुर विकराल सिंह की बारात शाम को ठीक 5 बजे काली पुलिया से होकर गुजरेगी। सुन लिया तूने ऊपर वाले? सुन लिया? वो जालिम ठाकुर विकराल सिंह और उसके परिवार वाले खुशियों के झूलों में झूल रहे हैं और मैं इन बीहड़ों में पत्थर चुन रहा हूं। मैं क्या था और उस जालिम ठाकुर ने मुझे क्या से क्या बना दिया? मैं जो बच्चों को अहिंसा की शिक्षा दिया करता था, मुझसे कलम छीन कर उस जालिम ठाकुर ने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस धरती से उन जालिमों का नामो निशान मिटाकर इस धरती को पवित्र। मुझे आशीर्वाद दो। गदर कहाँ है? वो तो ठाकुर की बहू को उठा के ले गया सरदार। क्या गदर, तूने ये बहुत बुरा किया। तुम सब चलो, मैं आता हूं। छोड़
जाओ अपने घर। तुम गदर, तूने एक दुल्हन की इज्जत पर हाथ डालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रामजादे कमीने कमीने, अगर तू मेरा दोस्त न होता तो तेरी गर्दन तोड़कर मैं तुझे कब का खत्म कर चुका होता। बजरंग, तूने कुत्ते के मुंह से बोटी छीनी है, मैं भी तुझे पागल कुत्ते की तरह काटूंगा, जिसके लिए तू पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, भाग जा यहां से, भाग जा यहां से। सर पीटो पे
क्या बात है कटोरी भाई, मेरे दिल की धड़कन और तुम्हारे कोठे की रौनक शब्बो दिखाई नहीं दे रही। शब्बो बजरंग के प्यार में पागल होके गई है, बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजार रही होगी। गुजारने दे, बस उस कबूतरी का पता बता दे, ऐसे पर काटूंगा ना वो कबूतरी रहेगी ना उसका आशिक बजरंगा। मुझे बजरंगा से हिसाब चुकाना है। पालमगढ़। क्या कहा? पालमगढ़। कोई भी अपनी जगह से एक इंच भी हिला तो उसकी लाश मीलों मीलों दूर जाके गिरेगी। गांव वालों कान खोल कर सुन लो, आज मैं यहाँ खून खराबा करने नहीं आया, मैं तो यहाँ हुस्न के दरिया में एक डुबकी मारने आया हूँ। जल्दी से उस हुस्न के एटम बम को मेरी शब्बों को निकालो। अरे सुनो, कोई जवाब नहीं देता। कोई जवाब नहीं देता। साथियों, उजाड़ दो इस गांव को और उठा कर ले चलो गांव की हर लड़की को। चलो, चलो, रुक जाओ। अरे आ गई मेरी शब्बो। हाय मेरी बन्नो बनने के लिए मेरी शब्बो जी। याद रख गदर सिंह, एक न एक दिन ये गरीबों के आंसू अंगार बन के तेरी लाश को जला देंगे और तेरी हस्ती को मिटा डालेंगे। बालके, नारी को ये शोभा नहीं देता। मेरी हस्ती को मिटाने से पहले तुम्हें पहले मेरी मस्ती को मिटाना पड़ेगा। चल मेरी हवस की आग में जल। चल ना। ढके हुए जिस्म में तो अच्छी नहीं लगती। आ तेरे कपड़े उतार दूं। ये तेरा दिख। जब जब जहां जहां जुल्म के नाग ने अपना फन फैलाया है, तब तब वहां उस फन को कुचलने बजरंग आया है। बजरंगा, मेरे रंग में भंग मत डाल। चुपचाप यहां से चला जा, वरना एक ही घूसे से तुझे और तेरे खानदान को चकना चूर कर दूंगा। गद्दर सिंह, मैं कोई दो पैसे वाला बताशा नहीं हूं जो तू मुझे अपने घूसे से चकना चूर कर देगा। मैं वो चट्टान हूं जिससे जब कोई टकराता है कुत्ते की मौत मारा जाता है। अपनी जिंदगी चाहता है जहरीले नाग तो इस लड़की को डसना छोड़कर भाग जा। मैं नाग के साथ साथ एक आग भी हूं जिसका नाम गदर सिंह है। गदर सिंह, अरे हाँ, एक गदर में आया था और दूसरा गदर 20वीं सदी में आया है जो तेरे सामने खड़ा हुआ है। के गदर की हरामी औलाद गद्दर सिंह, ये मत भूल कि सदियों पहले 52 गज रावण की लंका को श्री बजरंग ने ही जलाया था और आज 20वीं सदी का ये बजरंग रावण का रूप लेकर गरीबों पर कहर ढाने वालों को मिटाने आया। तो दिखा पूछ। हाय बंदूक, मर्द के हाथों में बंदूक, बंदूक से तो बच्चा भी मार सकता है। मजा तब है बिना बंदूक के
गदर सिंह का गदर मिटा के देख। कहते हैं मरने वाले की हर तमन्ना पूरी करनी चाहिए, इसलिए गदर सिंह हम तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी करें। अच्छा आज आप वक्त पर ना आते तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। ऐसा मत कहो शबो, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ता। देखो अपना ख्याल रखो। पुलिस अजरान, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। आपको हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे भागने की कोशिश बेकार रहेगी, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। दरोगा, पुलिस डिपार्टमेंट ने आज तक ऐसा माइकालाल पैदा ही नहीं किया जो बजरंग सिंह के हाथों में सरकारी कंगन पहना सके। और यहाँ तवायफ की तकदीर और गंदे पानी का मुकद्दर एक जैसा होता है बजरंग, लाख कोशिश करने पर भी जहां जन्म लिया हो उसे वहीं आना पड़ता है। क्या हुआ बताओ शब्बो, आखिर हुआ क्या था? उस दिन गदर सिंह से बचाने के बाद आप तो चले गए थे, मगर सारे गांव में बात फैल गई थी कि मैं तवायफ हूँ, आपकी आपकी रखेल हूँ। ये जानते हैं गांव वालों की नजर बदल गई, फिर क्या, नाली का कीड़ा वापस नाली में आ गया। फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था शब्बो, तुम्हें एक बार फिर इस नर्क में देखकर जी चाहता है कि सारे गांव को आग लगा दूं। गांव को आग लगाने से लोगों की जबान तो बंद नहीं होगी, वो हमेशा मुझे तवायफ और आपकी रखेल के नाम से पुकारेंगे।
बजरंग के हजार रंगों में से एक रंग लाल भी है शब्बो, और मैं इसी रंग से सारी दुनिया के मुंह पर ताले लगा दूंगा और तुम्हारी मांग करूंगा। अरे आप तो बहुत जख्मी है, चलिए मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ, बहुत दर्द हो रहा होगा ना शब्बो। सारा दर्द सिमट कर मेरे दिल में समा गया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी मांग भरते ही ये जिंदगी एक नए मोड़ पर चल पड़ी। छोड़ो मुझे, पहले जख्म पे मरहम तो लगाने दो। छोड़ो इस जख्म शब्बो, मेरे बाहों में समा जाओ, न जाने आज की रात फिर कभी हमारी जिंदगी में आई ना आए। अच्छा अखी मुच्छड़, शांत किधर है, तेरा ध्यान किधर है? आजा आजा आजा, मैं तेरी रेखा देखूंगा। डंडे मत मार, बैठ जा, हाथ दिखाओ। अरे ये क्या, तेरे हाथ में तो रेखा ही नहीं है। जैसे देख, ऊपर से देख, तेरी रेखाएं कहाँ हैं? या फिर ये रेखाएं किसी और रेखा को देकर आया है? अरे वाह, जब मेरे हाथ में नहीं है रेखा तो पंडित तूने क्या देखा? सच सच बता, ऐसा बंडल क्यों फेंका? मैंने तेरे माथे पे लिखी सच्चाई बताई है कि तू बहुत जल्द हवलदार से थानेदार बनने वाला है। ओह, ये तो तभी मुमकिन है पंडित, जब बजरंग जैसा खतरनाक डाकू मेरे हाथ लग जाए। तेरे हाथ में लगेगा, जरूर लगेगा। क्या लगेगा? बजरंग लगेगा। बजरंग को पकड़ने के बाद तो मेरे चेहरे पे नूरी कुछ और होगा। नूरी नूर, अदा अर्ज है। क्या अर्ज है? यही तो मेरा फर्ज है। वाह वाह, अदाब को छोड़, बजरंग को देख। बजरंग शब्बो भाई के कोठे से निकल चुका होगा, रास्ते में ही चील की तरह उसे दबोच ले। ऐसी आज्ञा पंडित। जा मुच्छड़। अब साले मैं उस बजरंग को नहीं छोड़ूंगा। चल तूफान। ए, रुक। दिलदार सिंह, देखते ही देखते ये क्या हो गया, अंडे पे हाथी खड़ा हो गया। इन सरकार की जंग लगी बंदूकों और रिश्वत के नाम पर दो दो रुपए की भीख मांगने वाले इन सिपाहियों के बल पर इतना मत अकड़, इतना मत अकड़। उधर तू पलक झपकेगा, इधर मैं गायब हो जाऊंगा। गायब? अरे गायब अगर हो गया तू मेरे भाई, तो कमिश्नर करेगा मेरी धुलाई, वर्दी छीन जाएगी, नौकरी चली जाएगी, न सर पर रहेगा छत, न सोने को मिलेगी चटाई, मान जा मेरे बाप। हवलदार दिलदार सिंह, अगर इंस्पेक्टर बनना ही तेरी तमन्ना है तो जा, हमने तेरी तमन्ना पूरी की, ले कर ले हमें गिरफ्तार। ये हुई ना बात, चलो गिरफ्तार कर लो। लॉर्ड, डाकू बजरंग सिंह ने हमेशा कानून और इंसाफ को खिलौना समझा है, इसने खतरनाक डाकू गदर सिंह को पुलिस की कैद से छुड़वाया है, इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कानून इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। हाँ, दे दो मुझे कड़ी से कड़ी सजा, दे दो, कर लो कानून के इस काले कोट वाले वकील को खुश। मगर इतना सुन लो जज साहेब, आपकी दी हुई लोहे की ये जंजीरें मेरे लिए मोम के उन खिलौनों से बढ़कर नहीं जो शोलों की शक्ल देखते ही पिघल जाते।
मैं जब भी चाहूंगा आपकी इस जेल से, आपकी इस सजा से इस तरह से निकल जाऊंगा जैसे बेकार की बातें एक कान से घुसकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती हैं। मैं तो आपके वकीलों और दलीलों का नाटक, जुर्म और सजा का ये खेल सिर्फ इसलिए देख रहा हूं जज साहब कि मेरा दिल कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहना। जिस दिन मेरा आराम खत्म होगा मैं आपकी इस सजा को राम राम कह दूंगा जज साहब। डाकू बजरंग सिंह, तुमने कानून को चुनौती दे देकर बहुत बड़ा अपराध किया है और साथ ही साथ तुम्हारे पिछले तमाम अपराधों को देखते हुए कानून तुम्हें दफा 302, 307 और 375 के तहत बामुशक्कत उम्र कैद की सजा सुनाती है। चलो इंस्पेक्टर साहब, चलो। बजरंग शब्बो, तुम यहाँ क्यों आई हो? जबकि हमने कहलवा भेजा था कि हमसे मिलने तुम यहाँ कभी मत आना। क्या करूं बजरंग, बात ही कुछ ऐसी थी जिसे बताने मुझे यहाँ आना पड़ा। तो फिर जल्दी बोलो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ बजरंग। नहीं शब्बो, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता। मगर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद इस दुनिया में आकर हमारे कर्मों की सजा झेले। ये गंदा समाज उसे डाकू की औलाद कह कह कर उसका जीना हराम कर दे। दिन रात हमारा ये रिश्ता नस्तर बन बन कर उस मासूम का सीना छलनी करता रहे। नहीं शब्बो, नहीं। जीने की इतनी बड़ी सजा झेलने से अच्छा है कि हमारी औलाद पैदा होने से पहले ही मर जाए। जाओ किसी डॉक्टर के पास और मार डालो उसे। हम कहते हैं जाओ। नहीं नहीं, मैं आपके प्यार की निशानी को कत्ल नहीं करूंगी। आपके खून का कतरा जो जीवन बन के मेरे पेट में पल रहा है, मैं उसे जन्म दूंगी और उसे जिंदगी से लड़ना सिखाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हें मार डालेंगे शब्बो, हम तुम्हारा गला घोट देंगे, गला घोट देंगे। क्या हो गया है हमारे हाथों को? रख चाहते हुए भी हम तुम्हारा गला क्यों नहीं घोट सके? इसलिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं और प्यार का दूसरा नाम भगवान होता है। जरा सोचिए तो सही, जब आप अपने प्यार का गला नहीं घोट सकते तो मैं इस मासूम का गला कैसे घोट सकती हूँ जो हमारे प्यार की पहली निशानी है। तो तुम्हें ये वचन देना होगा शब्बो, तुम कभी उस बच्चे को ये नहीं बताओगी कि हम उसके बाप। और वो जब पूछेगा अपने बाप के बारे में तो तुम इसे क्या जवाब दूंगी? तुम उससे कह देना कि तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है। नहीं बजरंग नहीं, अगर दुनिया के सारे पहाड़ लाख किसी सुहागन के सीने पर रख दिए जाए तब भी वो सुहाग के जीते जी मैं बेवा बनने का नाटक नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना होगा शब्बो, तुम्हें ऐसा करना होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम जेल की दीवारों से सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे देंगे। नहीं। ताकि तुम्हें झूठ बोलने का नाटक न करना पड़े। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं किसी तरह भी झूठ बोलूंगी लेकिन आपकी मौत का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, नहीं कर सकूंगी। बस शब्बो बस, अब तुम जाओ। तुमने हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया है। अब सजा झेलते झेलते हम ये भूलने की कोशिश करेंगे कि हमारी भी कोई पत्नी है, हम भी किसी बच्चे के बाप। अपनी औलाद की भलाई के लिए हमें यही करना होगा, हर कीमत पर यही करना होगा। अब तुम जाओ। शबराम, हट जा गदर, हट जा मेरे रास्ते से। अगर बजरंग को पता चलेगा तो तुझे जिंदा जला देगा। नहीं हटूंगा,
आज मैं तेरे साथ वो खेल खेलूंगा जैसे तेरे यार बजरंगा ने मेरे साथ खेला था। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। सरदार महाकाल, तुम? एक बहुत बुरी खबर है सरदार। क्या हुआ आपकी शब्बो? क्या हुआ मेरी शब्बो को? क्या हुआ आपकी शब्बो को? किसी ने बलात्कार करके मार डाला। हरामजादे, क्या बकते हो तुम? मैं सच कहता हूँ सरदार। कौन है वो बदनसीब जिसने ऐसा करके अपने पूरे खानदान को मौत की दावत दी है? ये तो मुझे नहीं मालूम सरदार, इसका पता तो आप ही को लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से निकलने की कोई तरकीब भी तो सोचिए। तरकीब तो मैंने सोच ली। बजरंग, ये क्या करो? बजरंग छोड़ो इसे! बजरंग, बजरंग छोड़ो इसे! बजरंग, ये क्या कर रहा तुमने? चल भाग महाकाल। बजरंग तुम भाग नहीं सकते। बजरंग, बजरंग शब्बो, वक्त ने तुमको मुझसे छीन लिया और मैं कुछ न कर सका। मगर आज मैं तुम्हारी इस चिता की राख की कसम खाता हूं कि जिस दिन मुझे तुम्हारे हत्यारे का पता चलेगा वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं बताता हूं, सितारों से मैंने बहुत पूछा, कोई बताता ही नहीं। इसका मतलब है वक्त कोई नया खेल खेलना चाहता है। अब ले पैसा। मैं एक न एक दिन सितारों की जुबान खुलवा कर रखूंगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरी शब्बों का कातिल कौन है। उसके बाद मैं इसी जगह उस जानवर की चिता जलाऊंगा। कसम। Sit down. आप लोगों को हैरानी होगी कि मैंने ये अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लालगांव का केस हमारे लिए इज्जत का सवाल बन चुका है और कोई भी इंस्पेक्टर अभी तक इसमें कामयाब नहीं हुआ। सर, डाकू गदर और बजरंग की दहशत से वहां का कोई भी आदमी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर राजा अपने पूरे प्लान के साथ यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। सर, वहाँ कोई भी प्लान काम नहीं कर सकता। सर, अगर आपको मेरा प्लान पसंद हो तो इस मिशन पर जाने मैं खुद तैयार हूँ। खतरों से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अपने देश और फर्ज के लिए अगर मुझे मौत से भी लड़ना पड़े ना सर, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश। सर, मैं चाहता हूँ इस ऑपरेशन को ऑपरेशन चंबल का नाम दिया जाए। मुझे मंजूर है। थैंक यू सर। उई माँ, मर गई भाई। ये मोटा क्यों इतने बड़ा हुआ है? ये भगवान, ये गॉड, अल्लाह बचा ले। हवलदार साहब, ये मोटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हवलदार जी, ये लड़की मेरा पॉकेट मार के भागी है। हवलदार साहब, ये झूठ बोलता है, ये मेरी इज्जत का ढक्कन खोलना चाहता है। ढक्कन? कैसा ढक्कन? कौन सा ढक्कन? जरा मुझे भी खोल के दिखाना। मुझे भी खोल के दिखाना। ए चुबे, क्यों बे मोटे हैं? बगीचे में एक शरीफ औरत की इज्जत लूटता है? विश्वास कीजिए हवलदार साहब, इसने मेरा पॉकेट मारा है। आप इसकी तलाशी लीजिए। तूने इसका पर्स चुराया है? हवलदार साहब, झूठ। मैं तो दे दूंगी, मेरे लेने से पहले इसकी लीजिए, क्या कहते हो, तलाशी। ठीक है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
उतारो कपड़े। हाँ हाँ ले लो ले लो। अरे पर्स कहाँ से आया? अरे हवलदार साहब, नहीं 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 नहीं। अरे ये तो भाग गया। चोर था खुद ही। कुड़िये जरा इधर आ जा। कान में तूने जो बात कही थी, अब खोल दे वो ढक्कन, अब खोल दे वो राज। बन के रहूंगी तेरी, सब कुछ सहूंगी तेरी। मत खोल ढक्कन, मत खोल मेरा राज। महारानी, ओ महारानी। आई भैया। ये लीजिए भैया, जल्दी आना। जल्दी मेरे आने की या खुशखबरी सुनने की कि कब मेरी प्यारी बहन दुल्हन बनेगी? आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? अरे पगली, हर भाई अपनी बहन को दुल्हन बना देखना चाहता है। बस मैं यूं गया और यूं आया, तब तक तुम उस फोटो से दोस्ती कर लेना। कौन सी फोटो? अच्छा जी, कौन सी फोटो? उसी फोटो से। भैया आप ऐसा कहते रहेंगे तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ भाई, हाँ दुल्हन जो बनने जा रही हो। चंदा, अरे ओ चंदा। कितनी आवाज दे रही थी तुझे, कहाँ थी तू? आज तो तेरे चेहरे पे रौनक ही कुछ और है। क्या बात है महारानी? अरे सांस तो लेने दे, फिर मैं फोटो दिखाती हूँ तुझे। फोटो? किसकी फोटो? नहीं बताऊंगी। समझी, मुझे भी नहीं देखनी तेरी तस्वीर। जा एक बार देख तो ले इसे। खुद ही देखेगी या मुझे भी दिखाएगी? ओ बड़ी फुर्सत में बनाया है इसे। आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी है, तेरे समा जाने के बाद भी बहुत जगह बचेगी। कागज लगा देना वरना ताक झांक करेगा। चल हट, बहुत बोलती है तू। चाचा जी, पिताजी के मरने के बाद तो हम यूं सोचने लगे थे कि आप अपना वादा भूल ही गए होंगे। बेटे, उसकी मौत ने इस वादे को और मजबूत कर दिया है। तुम्हारा बाप मरा नहीं, जिंदा है। मैं हूं तुम्हारा बाप, और महारानी इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि मेरी बेटी बनकर आएगी। लेकिन चाचा जी, महारानी को इस घर में लाने से पहले राजा बाबू उसे एक बार देख तो लेते। देखने दिखाने की बात ही मत करना, शादी के नाम से तो भागता है वो। ठीक शादी के दिन एक हाथ में जूता और एक हाथ में सेरा लेके खड़ा हो जाऊंगा, फिर देखता हूँ कैसे निकलता शादी। अरे दुनिया में ले दे के एक ही तो भतीजा है मेरा। लेकिन चाचा जी, आप उसे एक बार पूछ तो लेते। भूल कर भी नहीं, अपने तजर्बे से फायदा उठा रहा हूँ। राजा की बात तुम मुझ पे छोड़ो, तुम जाके शादी की तैयारियां करो और मैं बारात लेके आता हूँ। आगे आगे मैं और पीछे पीछे दूल्हा, मेरा मतलब है आगे आगे दूल्हा और पीछे पीछे मैं। आओ आओ मेरे पाप की कढ़ाई में हरामीपन की जिलेबियां तलने वालों। कैसे आना हुआ? अरे हम तीनों तुम्हारे इस गांव का सत्यानाश करने आए हैं। क्या बकवास करते हो? मेरे होते हुए मेरे ही गांव का तुम सत्यानाश करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? करबालू, आप समझे नहीं, ये फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आए, रात में पेड़ कटेंगे निकलेंगे और आपका हिसाब को बहुत ज्यादा। और दयालु, आपकी गांव की स्कूल, तालाब, ये सब ठेका हमको मिला है बनाने का, लेकिन कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन आपको आपकी जिलेबी हिस्सा मिल जाएगा। संस्था वाले चाहते हैं कि मैं एक पाठशाला खोलूं, पर मैं उसमें मधुशाला खोलूंगा। अरे मधुशाला जब बनेगी तब बनेगी। ठाकुर साहब, इस वक्त हमारी प्यास कौन बुझाएगा? छपन छुरे। हाँ, मेरे सैया को लागे न नजर बुरी, हुकुम करो सरकार। अबे नजर के बच्चे, शहर से हमारे मेहमान आए हैं, किसी ऐसी चिड़िया का बंदोबस्त करो जिसके पर अभी तक किसी ने ना नोचे हो। हाय सरकार, जो चिड़िया पाल के रखी थी वो तो उड़ गई। अबे ये लोग क्या तेरा मुंह देखेंगे? अरे मैं जो हूँ। अबे चुप। जाने दीजिए ठाकुर साहब, जाने दीजिए। अगर आपकी इजाजत हो तो चलिए,
गांव की किसी कोयल का शिकार करते हैं जो हमारे दिल के धड़कनों की भूख अपनी सुरीली कूक से मिटा सके। ये सही है, आ जाओ। हाय 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 हाय, आज फिर किसी की बर्बादी। जाने जा।
साहब आप यहाँ? अरे लपक लो। अरे अरे भागने ना पाए। अरे क्या लाया है? सरदार, ठाकुर ने आपके लिए तोहफा भेजा है। अरे ये तो बहुत अच्छी है, पर कैसे पता चलेगा कि अच्छी है? इसका निशाना कैसे पता चलेगा कि अच्छा है? किसको निशाना बनाऊं? कौन है? निशाना ऐसा होना चाहिए कि देखकर मजा आ जाए। पूरा निशाना। मेरा निशाना अच्छा था। मेरा निशाना अच्छा था ना? अच्छा था। मेरा निशाना अच्छा था ना? अच्छा था। अच्छा था। बढ़िया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अरे महारानी, कहाँ चली गई थी तू? क्या हुआ और तू रो क्यों रही है? मैं लुट गई चंदा, मैं बर्बाद हो गई। अब मैं भैया को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुम्हारे भैया भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? हाँ, तुम्हारे भैया शहर से आ रहे थे तो उन्हें किसी ने गोली मार दी। नहीं, नहीं! नहीं हो सकती। अगर तू माँ होती ना तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो नहीं होता। क्या क्या सपने देखे थे मैंने और भैया ने, वो सब जलकर भस्म हो गए। मेरी इज्जत लुट गई और भैया को भी किसी ने मार डाला। बता, बोल, मैं किस तरह अपने होने वाले सुहाग को अपनी मांग मरने दूं? नहीं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती और उसके बिना जिंदा भी तो नहीं रह सकती। इसलिए तू मुझे अपने पास बुला ले, और अगर तूने मुझे अपने पास नहीं बुलाया ना तो मैं खुद चली आऊंगी तेरे पास। हाँ हाँ, खुद। महाकाल जी, जरा पानी लाना। अभी लाता हूं सरदार। मां, नारी होकर तू नारियों पर कब तक जुल्म देखती रहेगी? कब तक? सरदार, पानी। मैं पहले लूट चुकी हूँ, मुझे और मत लूटिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अपने आप को संभाल लड़की, तो इज्जत लूटने वाले दरिंदों के बीच नहीं है, इज्जत के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाले इंसानों के बीच है। मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि? यकीन करने के लिए एक छोटा सा शब्द ही काफी है। तू मुझे बजरंग भैया के नाम से पुकार सकती है। क्या तुम डाकू बजरंग हो? हाँ, मैं ही डाकू बजरंग। कितनी खुशनसीब हूँ मैं कि डाकू बजरंग जैसे फरिश्ते ने मुझे बहन बनाया। अगर तू मुझे अपना भाई समझती है तो बता कौन थे वो लोग जिन्होंने तुझे बर्बाद किया है? इन्हीं आंसुओं ने औरत को कमजोर बना दिया है। पहुंच डाल इन आंसुओं को और शोले बनाकर मिटा दे उन जालिमों की हस्ती को
जिन्होंने तुझ जैसी पवित्र गंगा को मैला किया है। ले उठा ये बंदूक और बुनियादे हिला दे उन जालिमों की, जिनके हाथ कुंवारियों की आंचल फाड़ने के लिए मचलते रहते। उठा ये बंदूक। अरे राम राम, ए राम, ए राम। पारो, ए पारो। जी अरे देखो मेरे बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, जरा पैर दबाना। पैर? बड़े मालिक मैं पैर नहीं दबा सकती। क्यों नहीं दबाओगी? मेरी भाभी कहा करती थी, एक जवान लड़की किसी जवान मर्द के पैर दबाती है तो मर्द को कुछ यूं यूं होने लगता है। अरे तेरी भाभी बिल्कुल सच कहती थी, तेरे पैर दबाने के नाम से ही मेरे दिल में यूं यूं होने लगा है। लेकिन पारो, तेरे भाभी ने ये नहीं बताया कि लड़की के दिल में क्या होता है। लड़की के बदन में तो बिजली कौन जाती है? बिजली कौन जाती है? हाय दया, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तू ऐसा करना, मेरे साथ बैठना। नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं बैठेगी? अगर मैं बैठ गई हाँ? तो फिर आप कहोगे लेट जाओ। हाँ मैं कहूंगा लेट जाओ ना। आप तो मेरे ढक्कन खोलने पे लगे हुए, मैं तो चली। अरे सुनना। ओए चोले के पीछे क्या है? चोले के पीछे। अरे ओ भाजी वाली। नो। अच्छा आप आइए, मैं आपको मलहम लगा देता हूँ, प्लीज। मेरी भाजी। लेट जाइए, मैं आपको अभी ठीक कर देता हूँ। ये मेरे पास डब्बा पाम है इसमें। लेट जाइए, मैं देखिए मैं आपको हॉर्न तो मारा था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अब तो ठीक लग रहा है। अरे बाबा और लगाओ ना, एक तो धक्का मारते हो, ऊपर से बाम लगाने में कंजूसी करते हो। देखिए अब तो दवाई भी खत्म हो चुकी, अब आप अपने घर जाइए। लेकिन मुझे दर्द हो रहा है ना। घर जाते जाते आपका सब कुछ कम हो जाएगा, अब आप जाइए। अरे घर की बात छोड़, पहले तू ये बता तू है कौन राजा? जिस दिन मेरी असलियत का पता लगेगा उस दिन छक्के पर छक्के लगेंगे रानी जी। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? जरूर तुम कोई पुलिस वाले हो। क्यों? और मुझे भी लगता है कि तुम किसी डाकुओं के गिरोह से मिली हुई लगती हो। सबूत मिल जाएगा तो तुम खुद पकड़ के अंदर कर देना। सबूत तो तुम दोगी और जिस दिन तुम जेल के अंदर जाओगी और उस जेल का जेलर सिर्फ मैं रहूंगा तो तुम जेल के बाहर नहीं आ सकती, समझी? क्या हाय राजा, अब मैं बजाऊंगी तेरा बाजा। और एक शेर। हवलदार साहब अपने शेरो शायरी बंद करो वरना हम आत्महत्या कर लेंगे। पहले शेर सुनो बाद में आत्महत्या करो। अच्छा बोलो। हाँ सुनो। खिली थी धूप भी और चारों तरफ पानी बरसता था। क्या? खिली थी धूप भी और चारों तरफ पानी बरसता था। जब तू पैदा हुआ माँ रोती थी और बाप हंसता था। हंसो। हवलदार। नमस्ते। ये सब क्या हो रहा है? कल भूले लाला थे लाला, आज पीले पड़ गए। औरतों के राज में ये सब मर्द ढीले पड़ गए। शराब। सर ये ऑल इंडिया पुलिस स्टेशन मुशायरा हो रहा है ना। शराब कहा ना, जाओ और डाकुओं की फाइल लेके आओ, समझे? यस सर। और तुम सब भी जाओ। यस सर।
हवलदार दिलदार सिंह, ये कौन है? डाकू है सर। वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये खतरनाक डाकू है, इसके बारे में जानते क्या? बहुत ही कमीना कुत्ता, नालायक और क्या क्या क्या। नहीं नहीं सर, ये डाकू के बारे में मैं कह रहा था, ये बहुत खतरनाक है, वक्त आने पर ये अपनी माँ के बारे में। बस बस समझ गया समझ गया। और ये डाकू बजरंग सिंह है सर, गरीबों का दाता है, बहुत ही शरीफ इंसान था सर, लेकिन मजबूरी ने इसे डाकू बना दिया। और ये लड़की कौन है? सर ये डाकू बजरंग के गिरोह में नई नई शामिल हुई है, इसने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया और इसका नाम है महारानी। अच्छा, क्या तुम ये बता सकते हो कि ये डाकू बजरंग सिंह कहाँ मिलेगा? सर इसका पता तो गांव का सिर्फ पगला ही बता सकता है। पागल, ठीक है। पैसे लेके मारो पत्थर, पैसे लेके मारो पत्थर, मारो पत्थर, मारो पत्थर। पत्थर नहीं मारोगे तो जुर्म करना कैसे सीखोगे? जुर्म नहीं करोगे तो अपने माँ बाप को कैसे मारोगे? दाता ने लिखा है, एक दूसरे को दुनिया पत्थर मार कर खत्म हो जाएगी। लो पैसा, लो सब पैसा, लो तू भी पैसा ले, तू भी पैसा ले, तू भी पैसा ले। बाबा तू क्यों है रंग में भंग डालने के लिए? हम तो आने वाले कल का खेल देख रहे थे। लो पैसा, लो पैसा, लो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। पागले पागले, तकदीर के अंधे से रोशनी मांग रहा है, एक मंगे से भीख मांग रहा है। रास्ता नहीं बाबा, मैं डाकू बजरंग और महारानी का पता पूछने है। लगता है तूने भगवान के दर्शन नहीं किए, जा जा मंदिर जा, तुझे तेरा भगवान बजरंगा जरूर मिल जाएगा। ले पैसा जा। समझ गया बाबा। बजरंग सिंह की जय, बजरंग सिंह की जय, बजरंग सिंह की जय, बजरंग सिंह की। रुक जाइए, बजरंग सिंह की बजरंग की जय जयकार करना बेकार है, क्योंकि बजरंग का नाम आज नहीं तो कल मिट ही जाएगा, इसलिए जय जयकार करनी है तो सिर्फ देवी माँ की ही जय जयकार करो। बेटा मैं इस समय तो तुम्हें भगवान समझती हूँ, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, घर में फूटी कौड़ी तक नहीं, अगर बरातियों को खाना नहीं खिलाया तो मेरी बेटी तो बिन बेहाई रह जाएगी। जब तक बजरंग जिंदा है उसकी किसी बहन की बारात वापस नहीं लौट सकती, जाओ माँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बजरंग आप और यहाँ? लूटा हुआ माल इन गरीबों में दान करके इनकी नजरों में महादानी बनने वाले डाकू बजरंग सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं समाज के शरीफ लुटेरों को लूट कर गरीबों में दान कर देता हूँ, अब इसे तुम्हारा कानून पाप समझे या पुण्य से मुझे कोई मतलब नहीं। रह गई मेरी गिरफ्तारी की बात तो चला जा यहाँ से, वरना तेरी जवान मौत पर मुझे पछताना पड़ सकता है। मुझे इस पवित्र जगह पर खून की होली खेलने का शौक नहीं है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा बजरंग। चला जा वरना। नहीं भैया रुक जाइए, दरोगा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। जाने से पहले मेरी भी एक बात सुन लो बजरंग, तुम इस मासूम लड़की को डाकू बनाने जा रहे हो ना, इसके सामने तुम्हारे सारे पुण्य बेकार हो जाएंगे। नहीं महारानी, ये तो क्या कर रही है, अगर राजा बाबू को पता चल गया तो उन पर क्या बीतेगी। नहीं, जब तक मैं अपने दुश्मनों से बदला नहीं लूंगी मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। महारानी ये क्या, मैंने तुम्हें एक कमजोर लड़की से पत्थर बनाया, मगर आज पत्थर की आंखों में आंसू देखकर मुझे ऐसे लग रहा है मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई।
भैया, इंसान लाख पत्थर बन जाए मगर उसका दिल कभी पत्थर नहीं बन सकता। और जब उस पर कोई चोट आती है ना तो आंसू निकल ही आते हैं। आखिर कौन सी ऐसी चोट है जो हमारी बहन को रोने पर मजबूर कर रही है? वो तो दरोगा आपको गिरफ्तार करने आए थे ना, वो मेरे मंगेतर थे। क्या? मेरे दिल की धड़कनों के मालिक थे वो। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और हमारी शादी भी होने वाली थी। अगर ऐसा है तो चल मेरे साथ, मैं तेरा विवाह उससे करवा कर अपने आप को गिरफ्तार करवा दूंगा। नहीं भैया, कुछ चादरें ऐसी होती हैं जो एक बार मैली हो जाए ना तो लाख धुलने पर भी साफ नहीं होती, और उन्हीं में से मैं एक ऐसी मैली चादर हूं जो अब उनकी काबिल नहीं रही। बस अब जिंदगी का एक ही मकसद है कि जिन्होंने मेरा ये हाल किया है उन्हें मौत के जाल में फांस कर मारूं और फिर अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। ठेकेदार। और रानी तुम और डाकू। हाँ मैं और डाकू। जिस दिन तुम लोगों ने मुझे बर्बाद किया था उसी दिन भगवान ने तुम चारों को मारने का ठेका मुझे दिया था, और आज तुझे मारकर मैं अपनी पहली किश्त पूरी कर रही हूँ। महारानी आज हमें माफ कर दो, आज के बाद हम किसी को नहीं सताएंगे, राम कसम। हाँ आज तुझे कोई माफ नहीं करेगा। भाग भाग ठेकेदार भाग, जितना जी चाहे उतना भाग, भाग और तेज भाग, लेकिन इस बंदूक की गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग सकेगा तू। भाग। भयानक खून, लेकिन क्यों? क्या तुम में से कोई बता सकता है कि ये कत्ल कैसे हुआ? साहब, ये आदमी जानता है, इसने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा है। तुम कत्ल के वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? हुजूर, मैं यहाँ से गुजर रहा था, अचानक महारानी तूफान की तरह घोड़े पे आई और इसका कत्ल करके चली गई, मैं देखता रह गया। और कुछ देखा या सुना तुमने? हुजूर, महारानी ठेकेदार से कह रही थी कि अब वो दूसरे साथी शेर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और ये भी कह रही थी कि अपने साथियों से मिलके दुश्मनों से गिन गिन के बदले लेगी। हुजूर, क्या तुम बता सकते हो कि ठाकुर के कौन कौन से साथी यहाँ पर? सुना तो है हुजूर, फतेहगढ़ के ठाकुर के यहाँ उनका अक्सर आना जाना रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं जानता हुजूर। फतेहगढ़ का ठाकुर। आए मैं मर गया, मेरी बरसों की निशानी हरामजादे मेरे हाथों से निकल गई, मेरी एक ही निशानी थी। अरे डाकू गद्दर सिंह, क्या हुआ? कुछ मत पूछो, मेरा सत्यानाश हो सत्यानास? गया। हरामजादे नौवा ने मेरी हजामत करके मेरा एक झंडा उखाड़ दिया। झंडा उखाड़ दिया? अरे डर मत, मैं अभी उसकी एक टांग ठीक करता हूँ। जय जय हम भोलेनाथ, जय महाकाली, तोड़ दे दुश्मन की नली। अरे किस पे थूक रहे हो? अरे अरे चिपक गया अरे तुम तो थूक लगाकर चिपकाने में बहुत बड़े मास्टर हो। तुम्हारी थूक है या फेविकोल? चुप, ये थूक या फेविकोल अब हम दोनों को लगने वाला है। चुप। दिलदार सिंह, खोल के बात कर, मुझे बंद मिट्टी और बंद चिट्ठी में सख्त नफरत है। तो सुन,
इंस्पेक्टर राजा, ठेकेदार की लाश देखकर उसके दोस्तों का दुश्मन बन गया है। ए लड़की, कहाँ जा रही है? अरे तू मेरे को जानता नहीं क्या? मेरा नाम रानी है, रानी। मैं तेरे साहब से मिलने आई हूँ, तेरे जैसे सड़ियल से नहीं। क्या आला। अरे सलाम साहब। ये सब क्या है रानी? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, यहाँ पर नहीं आना। ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। आज तो हम रपट लिखाने आए हैं साहब। कैसी रपट? बात दरअसल ये, माफ करना, आज हम बाजार में हमारी टोकरी रखकर बाजू वाले गांव में पानी पीने गए थे। इतने में हमारे दो टमाटर और एक बैंगन चोर हो गया साहब। अब आप भी बताइए, हम गरीब लूट जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? नहीं सर, आपसे कोई फॉरेस्ट ऑफिसर मिलने आया। शेर सिंह, रानी तुम जाओ, जल्दी जाओ, मुझे जरूरी काम है, जाओ। मेरा ख्याल रखना। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। महारानी के केस में उन मुजरिमों में से किसी ने भी हमारा साथ दिया तो मैं उसे वायदा माफ गवाह बनाकर कानून से सजा नहीं होने दूंगा सर। हाँ जी हाँ, ओके। हाँ जी फरमाइए। मेरा नाम शेर सिंह है, आप ही ने मुझे याद किया था इंस्पेक्टर। यस ऑफिसर, आपको बुलाने का कारण ये है कि ठेकेदार के कत्ल के मामले में और डाकुओं के खिलाफ कानून आपकी मदद चाहता है। मैं भला इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो। सुना है कि आप और ठेकेदार एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। हंसता था वो और मुंह से आवाज आपके निकलती थी। चलता था वो और जमीन पर कदमों के निशान आपके होते थे। आपके कहने का मतलब क्या है इंस्पेक्टर? यही कि महारानी ने बिला वजह बंदूक नहीं उठाई है। तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा जरूर कुछ किया है जिससे मजबूर होकर वो तुम सब लोगों की दुश्मन बन गई है। अगर तुम मेरी मदद करो तो। मैं कुछ बता ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। न जाने वो महारानी क्यों हमारी जान की दुश्मन बन गई है। झूठ बोलकर अपनी मौत को मत दावत दो शेर सिंह। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी सुरक्षा महारानी से करूंगा। हाँ। शेर सिंह खुद की हिफाजत अच्छी तरह करना जानता है इंस्पेक्टर। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, कोई मामूली देहाती नहीं जिसे तुम अपने बातों के जाल में उलझा कर कानून में फंसा लोगे। गुड बाय इंस्पेक्टर। तुम्हारी खोपड़ी तो ऑफिसर उन पागलों से भी गई गुजरी है जो आग को फूल समझकर मुट्ठी बंद कर लेते हैं, इसलिए मुझे तुम पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इतनी जल्दी गीदर बनकर जीप के पीछे छुप गए? अरे हिम्मत है तो बाहर आ कमीने। मैं ठेकेदार नहीं हूँ हरामजादी, जो इतनी आसानी से तेरे हाथ लग जाऊंगा। शेर सिंह पीछे आओ। अरे ये तो इंस्पेक्टर राजा बाबू हैं। क्या अभी तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हें कानून की जरूरत नहीं? क्या अभी लगता है कि तुम बेगुनाह हो? मुमकिन है किसी और के धोखे में मुझे निशाना बनाया हो। अभी पता लग जाएगा। अभी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि ये मेरा फर्ज है, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा क्योंकि वो भी मेरा फर्ज है। राजा बाबू, ये शेर सिंह मेरा पुराना कर्जदार है, तुम बीच में मत आओ। मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकता महारानी। मेरे जीते जी तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती महारानी। ठीक है राजा बाबू, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकती, चलो। चलो शेर सिंह, पुलिस स्टेशन चलते हैं। रिवॉल्वर दिखाने की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर राजा? मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ, और वैसे भी आज का दिन मैं अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझा था। बस आपने मेरी जान बचा दी, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलो चलिए। आह,
शेर सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर, अब तेरी मौत आ चुकी है। बेवकूफी मत कर शेर सिंह, सीधी तरह अपने आप को कानून के हवाले कर दे। कानून? अरे कानून को तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुझसे तो निपट लूं, क्योंकि तू मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। मैंने पहले ही कहा था राजा बाबू, ये कमीना जीने के लायक नहीं है। महारानी, तुमने इसे मेरे सामने मारा है। जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई ना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक बार मुझे अपने हाथों में तो लेकर देखो राजा बाबू, मैं तुम्हारे लिए एक बार किया, हजार बार मरने को तैयार हूँ। अजी सुनते हो? अरे तू यहाँ क्यों आ गई? आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना तो खा लो। आला जा, जरा घर तक छोड़ नहीं आओगे? नहीं, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, तू अकेली ही चली जा। हे राम, फिर मुझे रात को ये भी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। हेलो इंस्पेक्टर राजा हिया। अरे मुझे राजा ही तो चाहिए भतीजे, मैं तेरा चाचा बोल रहा हूँ, अजय सिंह। आखिरकार आपने ढूंढ ही लिया कि मैं यहाँ हूँ। अरे तू अगर चांद पे भी चला जाता ना, तो भतीजे मैं तुझे वहाँ भी ढूंढवा कर तेरी शादी करवा देता। शादी की बात छोड़िए चाचा जी, बाकी बताइए सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है भतीजे, जिस लड़की के भाई के साथ तेरी शादी की बातचीत पक्की की थी, वो लौट कर ही नहीं आया। अच्छा, किस गाँव का रहने वाला? अरे वो उसी गाँव का रहने वाला है जहाँ से तू बोल रहा है। नाम क्या उसका? शंकर। शंकर? और लड़की का नाम? महारानी। महारानी? क्या हुआ भतीजे, क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, अब मुझे किसी भी हालत में महारानी से मिलना होगा। राजा की आए की ओ आ गई, फिर से दरोगा जी से मिलने आ गई। ऐसी क्या बात है जो रोज इतनी बार उसे मिलने आती हो? नाम है दिलदार सिंह, और दिलों की बात समझने में बिल्कुल निखट्टू हो तुम। ओ समझ गया, कली भयोरे की दीवानी है और यही तुम दोनों की प्रेम कहानी है। जब बात समझ में आ ही गई है तो ये भी बता दो कि वो है कहाँ। कहाँ? सुबह जंगल में निकल जाते हैं, शाम को लौट आते हैं, ना खाने की चिंता है ना पीने की, बस रट लगाए हुए है महारानी महारानी। अंदर है, दीवारों से सर टपका रहे हैं। हटो। थानेदार साहब, ये क्या पागलों जैसी हालत बना रखी है तुमने, ना खाना ना पीना ना नहाना ना धोना। कहीं पागल खाने वालों ने देख लिया ना तो सीधा पागल खाना भेज देंगे तुम्हें। वक्त का बेरहम घुसा जो इस वक्त मेरे दिल पर पड़ा है, अगर तुम्हारे दिल पर पड़ा होता ना तो जिंदगी भर के लिए हंसना भूल गई होती। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए ना तो उसे बांट लेना चाहिए, दर्द का बोझ भी हल्का हो जाएगा और दिल को सुकून भी मिल जाएगा। क्यों रानी, तुम समझते क्यों नहीं? मैं जब तक डाकू महारानी का पता नहीं लगा लेता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अरे बस इतनी सी बात, उसे तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सच? तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, आओ मेरे साथ। समझ गए। अरे ये तू मुझे कहाँ ले आई? महारानी कहाँ है? बस थोड़ी दूर में यार, आओ ना।
थोड़ी दूर पर कमाल है। कहाँ है महारानी का ठिकाना? यही तो वो जगह है। लेकिन महारानी कहाँ है? अरे गरम मसाले, तुम्हारी महारानी तो तुम्हारे सामने खड़ी है। किसी की मोहब्बत का जवाब क्या तुम तमाचा मार के देते हो? मोहब्बत? हाँ, जिस तरह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है उसके सीने से लिपट जाती है, उसी तरह तुम्हें पहली बार देखकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई। बस इंतजार था किसी दिन तुम्हें अपनी दिल की बात कह दो। आज कोशिश की तो जवाब में मुझे ये मिला कि वो जिंदगी भर रुलाने के लिए काफी है। अरे पगली, तुम सचमुच ही समझ ली? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो आजमा रहा था कि तुम मुझे सचमुच प्यार करती हो या नहीं है? बहुत सताते हो, चलो हटो। बागों में बहार है, होठों पे निखार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार। वाली तेरा नाम तो बता। अच्छा दरोगा बाबू, एक बात तो बताओ। क्या? इतने खतरनाक इलाके में तुम अपनी जान झोंके में डालकर इतने खतरनाक डाकुओं के साथ लड़ने क्यों चले आए? अरे हम पुलिस वाले जब फर्ज और कानून की राह पर चलते हैं ना, तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। एक बात कहो, थानेदार हो तो तुम्हारे जैसा। अच्छा? हाँ, बस बस यही रख दो। अच्छा मैं चलती हूँ। क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा? हाँ? लगता है मेरा शक सही है, कहीं रानी का डाकुओं के साथ कोई न कोई संबंध जरूर है। बाबा तुम यहाँ बैठे हो, चलो घर चलो। तू भी आ गई, ले पैसा, ले पैसा। चलो ना बाबा। ये पागल तुम्हारा कौन है? ये मेरे बाबा है। तुम्हारे बाबा? लेकिन ये पागल कैसे? ये तो मैं नहीं जानती, मगर जब से मैंने होश संभाला है इन्हें इसी हालत में देखा है। इसका मतलब है तुम्हारा इनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं? खून का रिश्ता क्या होता है ये मैं नहीं जानती, मगर मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, माँ बाप का प्यार दिया। लोग इन्हें पागल कहते हैं, मगर मेरे लिए यही सब कुछ है। लेकिन इनके पागलपन के पीछे कोई न कोई कारण होगा, कोई तो वजह होगी। हाँ वजह है, इनका अपना सगा भाई डाकू गदर सिंह। गदर सिंह? हाँ डाकू गदर सिंह, क्योंकि बाबा की समाज में इज्जत थी और गदर सिंह की इज्जत नहीं थी, क्योंकि
वो एक वेश्या की कोख से जन्मा था। इसी बात को लेकर गदर सिंह ने बाबा के ऊपर इतना जुल्म किया कि इनकी दिमागी हालत बिगड़ गई और लोगों ने इनको पागल कहना शुरू कर दिया। मेरा बस चले तो गद्दर सिंह को चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दूं। जिंदगी कैसे जी जाती है ये दुनिया वालों को तुम दोनों से सीखना होगा। रही बात गद्दर सिंह की, वो बहुत जल्दी सलाह। और सुनाओ गद्दर सिंह, क्या चाहिए, गोलियां, बम या बंदूक? अरे आग लगाओ गोलियां और बारूद को। लोगों का लहू पीते पीते पुलिस से लड़ते लड़ते थक गया। शोलों से भरी इन आंखों को ठंडक पहुंचा दे ठाकुर। बस इतनी सी बात है, छप्पन छुरी? हाय हाय हाय, मेरे सैया को लागे न नजर बुरी, क्या हुक्म है सरकार? अबे नजर के बच्चे, हमारे दोस्त गदर सिंह आए हैं, उनके लिए कुछ आराम का बंदोबस्त करो। हाय हाय मेरे सैया, पढ़ू मैं तेरे बैया? लागू सरकार। क्या बात है? हुजूर, ये मेरी बेटी है, अगले महीने इसका ब्याह है। मेरे पास, मुझ गरीब के पास अनाज है ना पैसा, अगर कुछ मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती।
तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। नमस्ते सरकार। छप्पन छुरी। हाय मेरे सैया को लागे ना नजर बुरी। अबे नजर के बच्चे, ये लड़की गांव की किस गली में रहती है जो आज तक हमारी नजरों से बची रही? हाय हाय, जब नजर पड़ ही गई है सरकार तो जिगर के पार भी हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए ठाकुर साहब। ये क्या क्या हुआ बहन? भाई बजरंग, ठाकुर ने मेरी बेटी की इज्जत लूटने से मार डाला। ठाकुर विकराल सिंह, अब तू बहुत जी चुका, अब तेरी हंसी को आंसुओं के तूफान में बदलना ही होगा। चल महारानी, ठाकुर की मौत तुझे आवाज दे रही है, चल। लगता है भगवान ने मुझे सिर्फ कुंवारी लड़कियों को सूंघने और उसको मसल कर फेंक देने के लिए पैदा किया है। ठाकुर, इंसान की खाल लोड कर कुंवारी कन्याओं के आंचल नोचने वाले भेड़ियों, हंस लो, हंस लो, आज जिंदगी में आखिरी बार हंस लो, क्योंकि आज के बाद इस हवेली में तुम सब की आत्माएं रहती दुनिया तक चीखती रहेंगी। देखते क्या हो, उड़ा दो इसकी बोटियां और खिला दो हमारे पालतू कुत्तों को, जाओ। भागता कहाँ है हरामजादे? बहुत दिनों से तलवार नहीं चलाई, अब तुमने मजबूर कर ही दिया है तो चलानी ही पड़ेगी। चल महारानी, गांव वालों सीधी तरफ बता दो ठाकुर का खून किसने किया। इस तरह गर्दन झुकाने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो बारी बारी जब सबको मारूंगा ना। अरे साहब छोड़ो इन गरीबों को, ये ठाकुर के आदमी नहीं, कुत्तों के मुंह से टपकी हुई लार है लार। तुम कहना क्या चाहते हो? सर सारी हवेली चरस अफीम और गांजे से भरी हुई है, और हो ना हो ठाकुर ने इसी का खून किया होगा। ठाकुर ने चंदा का खून किया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत भी मिल जाएगा और गवाह भी, बस हमें सिर्फ वो ठाकुर का छक्का छप्पन छुर्री हाथ लगना चाहिए। ठाकुर मुआ तो मर गया, अब मेरी क्या जरूरत है? चलो भाग चलें, अगर मैं पुलिस के चक्कर में पड़ गई तो वो मुझे छक्के से मिंडी बना देंगे। ए रुक जा छप्पन छुर्री। हाँ मेरे सरकार को लागे ने नजर बुरी। ए ये चमकना मटकना बंद कर, नहीं तो ये डंडा ऐसी जगह घुसेड़ दूंगा ना। नहीं नहीं सरकार ऐसा मत कीजिए,
ऐसा करके मेरी दुकान बंद मत कीजिए, मेरे लायक कुछ सेवा हो तो फरमाइए, हुक्म कीजिए सरकार। तो फिर शराफत से बता कि पंडित कहाँ है। सरकार वो मुआ तो मंदिर में देवी की पूजा कर रहा होगा। चल सर, यही है वो ठाकुर का दल्ला, इसने बता दिया है कि पंडित कहाँ छुपा हुआ है। ए, ठीक से खड़ा हो जा। कहाँ छुपा हुआ है पंडित? दरोगा साहब आप जरा मंदिर में जाके पूजा कीजिए, तब तक मैं इसकी इंक्वायरी लेता हूँ कि ये छक्का है या मेंढी है। इस डंडे से इसकी कुंडी खटखटाऊंगा, इसके मुंह से और भी कोई राज का पता चल जाएगा। अरे हिला हिला हिला। ठीक है, तुम इसे अपना डंडा दिखाओ, मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा हाँ। अरे पकड़ता हूँ अच्छी तरह। माँ मुझे बच्चा नहीं होता, और अगर मुझे बच्चा नहीं होगा तो मेरे पति मुझे छोड़ देंगे, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। माँ मुझ पर दया करो। माँ दया कर दी। जय चामुंडी भैया, तुझसे प्रसन्न हुई, मुझको आज्ञा दी है पुजारी, जा इस बालिका के गर्भाशय में मंत्र द्वारा बच्चा डाल दे। जय चामुंडी, मैं तुझे बच्चा दूंगा। हाँ बच्चा दूंगा। जय चामुंडी बच्चा दूंगा। पंडित जी आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मंदिर के पिछवाड़े। बच्चा रहेगा मैं रहूंगा, तू रहेगी, गर्भाशय रहेगा मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। पंडित जी अब मैं मंत्र पढ़ूंगा। ये क्या कर रहे हो पंडित जी? मंत्र पढ़ना पड़ेगा। हाथ नीचे छोड़ दे। देख पंडित, मैं मंत्र पढ़ रहा था, मैं और कुछ नहीं, मैं मंत्र पढ़ रहा था। चल पुलिस स्टेशन, मैं तुझे मंत्र पढ़ा था। चल महारानी पंडित जेल में है। भाग महाराज। चल मार। रुक जा मेरे लाल। क्यों बजरंगे, खत्म हो गए तेरे दंगे? याद कर एक गदर में उठा था और दूसरा गदर तेरे सामने खड़ा है, जो तेरा नामो निशान मिटा देगा। तो फिर सोचता क्या है? चला गोली, मेरा सीना तैयार है मौत का स्वागत करने के लिए। चला गोली और साबित कर दे कि तवायफ की औलाद कभी भरोसे के लायक। सच कहता था तेरा भाई, तू गद्दर नहीं गद्दार। हट बुए, उसी तवायफ के बेटे का तू साला बनेगा, महारानी के साथ शादी करवा के अपना मुंह काला करेगा। 100 बार मर के भी मुझे अगर जिंदगी मिले तो भी मैं तेरे इस नापाक इरादे को कामयाब नहीं होने दूंगा गदर। ठीक है, तुमने अपनी मौत का खुद ही फैसला कर दिया। महारानी ये तेरा भाई भाई नहीं है, कसाई है, तेरे मेरे प्यार को देख के जलता है मरता है। ले अगर तू मेरे से प्यार करती है ना तो इस गोली से इसकी खोपड़ी उड़ा दे। ले ले।
ये करने से तेरा मेरा प्यार अमर हो जाएगा। अकल के नाम के कुत्तों के तलवे चाटने वाले हरामजादे, तू क्या समझता था कि मैं मौत के डर से अपने देवता समान भाई को मार डालूंगी? सुअर के बच्चे, अब तेरा मरना बहुत जरूरी है। चला गोली, मैं खुद अपनी जिंदगी से बहुत तंग हूँ। चला गोली। नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली। इसमें गोली तो है पर तुम्हें चलाना नहीं आता। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि गोली आगे से चलती है या पीछे से। देखो मैं तुम्हें गोली मारता हूँ। देखो गोली पीछे से चली, उसका तेरवा और चौथा हो गया। बांध दें दोनों भाई बहनों को इस घने जंगल में ताकि भूखे शेर अपनी भूख मिटा सके। और आज के बाद इस चंबल का राजा गदर सिंह होगा। मैं आपको संभालो महारानी। महारानी ले पैसा। बजरंग फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया। बजरंग मैंने क्या कहा था उस कुत्ते को? कानून के पंजे से मत बचाना। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा। अगले तानों के तीर बाद में जितना चाहे मार लेना। इस वक्त मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुमको मरने नहीं दूंगा। अगर तुम दोनों मर गए उन सितारों का क्या होगा जो गदर सिंह की मौत देखने को बेताब है? खोल। ऐसा ले, रस्सी छोड़ दे, ऐसा ले, छूट जा। छूट गई। क्या हुआ? अरे महारानी बेहोश हो गई। अरे पगले, तू महारानी को ठिकाने पर ले चल, मैं गांव से हकीम को लेकर आता हूँ। ले, पैसा ले, भाग जा, चल उठ। रुक जाओ बजरंग। ओह तुम। बस बजरंग बस, अब तुम्हारा ये खेल खत्म हो चुका। सीधी तरह अपने आप को कानून के हवाले कर दो। दरोगा, लगता है तुझे अपनी माँ की गोद उजाड़ने का बहुत शौक है, जो तुझ पर बजरंग से टकराने का पागलपन सवार है। मैं कानून का वो पुजारी हूँ बजरंग, जो इंसाफ की राहों पर हमेशा अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए मैंने तुम्हें और महारानी को गिरफ्तार करने की कसम खाई है। तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे बच्चे, क्योंकि जब तक महारानी अपनी आखिरी दुश्मन को मारेगी नहीं, तब तक इंसाफ का ये पुजारी भिखारी बनकर भटकता रहेगा। महारानी का आखिरी दुश्मन जेल में बंद है बजरंग, और महारानी में इतनी ताकत नहीं कि जेल की दीवारें तोड़कर अपने दुश्मन को खत्म कर सके। ऐसा है तो मुझे जेल में जाना ही पड़ेगा। सोचो मत बजरंग, अगर कुछ दिन और जीना चाहते हो ना, तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ठीक है बच्चे, अगर तुम कुछ देर के लिए खुश होना ही चाहते हो, कर लो मुझे गिरफ्तार। बजरंग, भैया बजरंग प्रणाम। आप यहाँ पत्थर तोड़ रहे हैं? आन जाने में एक भूल हो गई है, उसी की सजा झेल नहीं आया। बजरंग कभी भूल करे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कोई देवता नहीं हूँ, इंसान हूँ पंडित।
गलती मुझसे भी हो सकती है, अगर इस गलती का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। किंतु ऐसी कौन सी घटना घटी है शेर की तरह धाड़ने वाला बकरी की तरह उस भूल का नाम महारानी है पंडित। उसने धोखे से मुझे गिरफ्तार करवा दिया और मेरे गिरोह की सरदार बन बैठी। चील पर चिड़िया भारी हो गई। अब आगे क्या इरादा है? मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है पंडित, जो मुझे यहाँ से भगाने में मदद करे। फिर देखना मैं उस महारानी को कैसी भयानक मौत देता हूँ। आप सचमुच महारानी को मार डालोगे? हाँ पंडित, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बात पक्की? आटे की चक्की। चल पंडित जल्दी भाग 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 और तेज भाग। चल 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 चल। अरे भैया महारानी आ रही है। खत्म कर दो इसको, खत्म कर दो, खत्म कर दो इसको, खत्म कर दो, खत्म कर दो इसे। डरो मत पंडित, मैं इसे अभी खत्म कर देता हूँ। महारानी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं सोचता हूँ पंडित, ये शुभ काम तुम अपने शुभ हाथों से कर। मैं मारूंगा इसे। मार, हाँ, मार, 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 मार। गोली नहीं चल रही बजरंग भाई। पंडित, गोली मेरे पास है। और मैं भी उसके पास जा रहा। विश्वासघात, विश्वासघात किया बजरंग पहले। क्यों, वो दिन भूल गया जब तूने मेरे साथ विश्वासघात किया था? बेटी, बेटी, महारानी बेटी, मुझे क्षमा कर दे, अनजाने में गलती हो गई बेटा। बेटी कहकर उस रिश्ते का अपमान मत कर हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने नहीं मरना है बेटा, मैंने नहीं मरना है, मैंने नहीं मरना, मैंने नहीं मरना। चलो महारानी। कहाँ मर गया कालिया? मैं पूछता हूँ कहाँ मर गया कालिया? कहाँ मर गया कालिया? मैं पूछता हूँ कहाँ मर गया कालिया? जो अभी तक बजरंग और महारानी की हड्डियां लेकर नहीं आया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। सरदार, सरदार, आपके पगले भाई ने महारानी और बजरंग को बचा लिया सरदार। क्या कहा, बच निकले? अरे सुना, दोनों बच निकले। हंसो, हंसो। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया। हम तो हंस रहे सरदार, तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए आज तुम में से कोई ना कोई मरने वाला है। कौन, कौन मरने वाला है सरदार? तू मरने वाला है। नहीं नहीं नहीं, जाओ मेरे पगले भाई को उठा लाओ। जाओ, रुको, मेरी भतीजी रानी को भी उठा लाना, जवान हो गई होगी ना। जाओ सरदार। क्या है सरदार? गदर सिंह ने रानी और उसके पगले बाप को उठा लिया है और मैंने उनका ठिकाना भी देख लिया है। महाकाल, तूने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं भी गदर सिंह को गधा बनाकर ऐसे धोबी के हाथ बेचूंगा जो कपड़े धोता कम है फाड़ता ज्यादा है। लगता है आज गदर सिंह का आखिरी दिन आ ही गया है। गजब हो गया दरोगा साहब, वो गदर सिंह रानी को और उस पगले को उठाकर ले गया, और कहां ले गया उसका पता मुझे चल गया है। Oh no. Hello, headquarters. हाँ, इंस्पेक्टर राजा हियर, ऑपरेशन चंबल से। हाँ सर, मुझे डाकू गदर सिंह और उसके अड्डे का पता चल गया। हाँ, और उस पर हमला करने के लिए मुझे बहुत सारा गोला बारूद और पुलिस फोर्स की जरूरत है।
हाँ सर, हाँ सर, तुरंत भेजिए सर। ओके सर, थैंक यू। साहब मैं चलूँ आपके साथ? बापू, इसको पैसा देते हैं, पैसा ले, पैसा ले। आ जा, पैसा ले। आ जा रे। सितारों के खिलाड़ी और दुनिया के सबसे बड़े नारी, तूने बजरंग को मरने से क्यों बचाया? बजरंग की मौत हजारों गरीबों की मौत है, उसको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी देनी पड़ती तो मैं दे देता। पर हाँ, सितारों की गर्दिश कह रही है कि आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हाँ, मरने से पहले ले पैसा ले, ले पैसा ले। हाँ? पैसे की जगह मुझे कुछ और चाहिए। बोल देगा? है? बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? पहले तो मुझे तेरी जान चाहिए, उसके बाद मुझे मेरी जान चाहिए। रंडी की औलाद, तुझसे और क्या उम्मीद की जा सकती है, जो अपनी बेटी समान भतीजी को सारी दुनिया के सामने जलील कर रहा है, कुत्ते। मैं रंडी की औलाद, इसलिए तो भमरा बनकर तेरी जैसी कच्ची कली का रस चूसना चाहता हूँ। बाबा, तेरा रस चूसने से पहले इस पगले को तो सितारों की दुनिया में पहुंचा दूं। गद्दर पहले मुझसे तो बच ले। आ गया, तू भी अपने माथे पर मौत का तिलक लगा के आ गया। ये मेरा नहीं गद्दर सिंह, तेरी मौत का तिलक है, क्योंकि तेरे खून के प्यासे ये धरती और वो फलक है। नहीं बजरंग, इसे जिंदा नहीं छोड़ना। सितारे कह रहे हैं कि तेरी बीवी शब्बो का खून इसी कुत्ते कमीने ने किया था। क्या? इसे जिंदा नहीं छोड़ना। रामजादे, अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू जाके भगवान से पूछेगा कि अगर धरती पर बजरंग को पैदा करना था तो मुझे क्यों पैदा किया। इधर आ गया शेर के पंजे में। बेटे, तुझे पता नहीं, मेरी माँ ने मुझे गधी का दूध पिलाया था, इसलिए तो मैं बहुत बलवान हूँ। तेरे टुकड़े टुकड़े करने के बाद तेरी बोटी बोटी कुत्तों के सामने डालने के लिए पहले चारों तरफ देख मैंने कैसा बंदोबस्त कर रखा है। गधी के दूध का कमाल तो देख। बोल, छम्मक छल्लो नाचेगी या मैं बंदूक की नोक से नचाऊं? हाँ, we'll be right back.
अपनी जान का बलिदान दे दिया। मैंने वही किया है जो हमेशा प्यार करने वाले किया करते हैं। नहीं, और जब तक दुनिया में प्यार रहेगा, प्यार के नाम पर प्यार करने वाले अपना बलिदान देते रहेंगे। नहीं महारानी, ये जोड़ी सलामत रहे। नहीं महारानी, महारानी तू कहां भाग रहा है रामजादे? तुझे तो नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। गद्दार गद्दार, तेरा पगला भाई ठीक ही कहता था। गर्दिश में सितारे तेरी मौत का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जा कर ले उन्हें खुश। कर ले उन्हें खुश।
रुक जाओ, रुक जाओ बजरंग सिंह, रुक जाओ। देखो आज अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। तेरे पीछे भागते भागते कितने कमीज, कितनी पैंटे, कितने कितने जूते फट गए। प्लीज रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, गद्दर सिंह की मौत। अब इस मकसद के पूरा होने के बाद मेरे भागने की कोई जरूरत नहीं। हवलदार दिलदार सिंह, लो कर लो मुझे गिरफ्तार।